नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने चुनाव आयोग से विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन अवधि बढ़ाने की मांग की है। अग्निहोत्री का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया में 3 दिन की छुट्टियां होने के कारण प्रत्याशियों को नामांकन प्रक्रिया में काफ़ी मुश्किल होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष क्या बोले, सुनिए विस्तार से। एक दिन सेकंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे जो है वो नॉमिनेशन नहीं होते क्योंकि वो बैंक हॉलिडे को के हिसाब से मानते हैं। तो अगर 22 को भी नॉमिनेशन नहीं होगा, 23 को नॉमिनेशन नहीं होगा, 24 को नॉमिनेशन नहीं होगा, और हम जो है हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, भारतीयता में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम जो है हर चीज का मुहूर्त निकलवाते हैं, इलेक्शन का तो खास तौर पे मुहूर्त निकलवाते हैं। 3 दिन नॉमिनेशन होता नहीं है और 25 को अमावस्या है, तो इसलिए सब लोग 21 के बाद इसका मतलब नॉमिनेशन ही नहीं हो पाएगा और 25 को तो समाप्त हो जाएगा, और उससे पहले जो है राजनीतिक पार्टियां जो है टिकट अभी अनाउंस नहीं हुए हैं किसी भी पार्टी के, और टिकट अनाउंस होने के बाद एनओसी लेने हैं लोगों ने, किसी को बिजली का एनओसी लेना, किसी को पानी का एनओसी लेना, किसी को मकान का एनओसी लेना है, किसी को बैंक की डिटेल्स लेनी है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो लगभग 24-48 घंटे तो हर कैंडिडेट को ये प्रोक्योर करते हुए लग जाएगा। तो ये मैंने सुबह भी प्रदेश के मुख्य सचिव से भी आग्रह किया था कि आप ये मसला इलेक्शन कमीशन से उठाएं, और पार्टियां तो उठा ही रही हैं, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन अगर अपने एक्ट की दुहाई दे रहा है कि हमारा एक्ट जो है हम उसमें हेर फेर नहीं कर सकते कि 22-23-24 के लिए वो अंकित है, उसकी कॉपी प्रति वो दिखा रहे हैं कि ये संभव नहीं है, तो ये बड़ा व्यवहारिक तरीके से व्यवहारिक दृष्टिकोण से फैसले होने चाहिए। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।